सभी का पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स को। वेलकम वेलकम एंड वेलकम हमारे गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर रेणु जी और आदित्य मिश्रा जी। कल का सेशन बहुत बहुत मतलब रोचक भी रहा, प्रेरणा से पूरा भरपूर, और मन में जो भी एक परत सी जमी हुई थी डाउट्स की, कुछ प्रश्नों की, वह भी हमने थोड़ी बहुत जो प्रश्न हमें कल सूझे वो हमने पूछे। तो पुनः आपका स्वागत है डॉक्टर रेणु हम इंदौर एंड हमारे प्रिय प्रिय टीचर एंड आदित्य मिश्रा जी। थैंक यू एंड ओवर टू यू। वेलकम मैम। थैंक यू अनुपमा जी। आज वो नहीं दिखाई दे रही हैं। मैम आते होंगे क्योंकि सभी को सूचना सभी को मिल चुकी है। दीप्ति अच्छा, मैम की आप बात कर रहे होंगे। नहीं मैं नहीं नहीं दीप्ति मैम की नहीं, वो जो एक और थी ना, जो रीटा बहुत मैम गर्म। हाँ, रीटा मैम। जी आ जी जाएंगे मैम वो तो। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करें फिर। तो सभी को प्रणाम। और कल जैसा कि हमने देखा था, ये जाना था कि मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान के बारे में हमने देखा। और ये आ गए पॉइंट, मैम, रीटा मैम आ गए, आपने याद किया, आ हाँ, गए। क्योंकि रीता जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, तो मुझे लगा उनके बिना नहीं स्टार्ट करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, रीटा मैम आ गए, रेणु जी आ गए। अन्नपूर्णा जी को मैं एक बार फोन कर लेती हूँ, अगर वो बिजी नहीं है तो मैं करती हूँ। हाँ, क्योंकि जो कल थे ना, हाँ उनको का होना जरूरी है। जी, जी मैम, मैं फोन कर। तो तब तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई और बात कर सकते हैं। एक बार आप पूछ लीजिए। रेणु जी, डॉक्टर रेणु त्रिपाठी, आपने सुना वापस? हेलो मैम। यस, हाँ, मैम नहीं सुन यस पाई। यस हाँ, मैम, अच्छा, नहीं मैंने आप सुना, नहीं सुन मैंने पाई। मैम मैंने एक वीडियो देखा आपका जो अच्छा आपने कल भेजे थे, उनमें से एक तो मैंने देखा अच्छा हाँ, वो तो हाँ गुरुदेव जी थे, जिसमें। लेकिन हाँ, कल जो हमने बात की थी उसके बारे में एक बार अभी हम बात कर रहे हैं। तो हाँ जी कल वाला अगर सबको पूरा क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं आज, कि कल हमने जाना कि मैं अनुभव करता हूँ, है ना, मेरा तत्व क्या है, अनुभव करता, साक्षी। और आज हम देखेंगे माया का ज्ञान, माया क्या है। तो कल हमने देखा था कि मैं साक्षी हूँ जो कभी नहीं बदलता, लेकिन बाकी जो तीन, हमने तीन तरह के अनुभव देखे थे, शरीर के अनुभव, मन के अनुभव और इस जगत के अनुभव। जगत मतलब ये जो वस्तुएं और आसपास जो भी हमें दिखाई देता है, पेड़ पौधे, प्रकृति, पशु पक्षी, सब कुछ। और शरीर और मानसिक अनुभव, ये तीनों मिलाकर के, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, प्रकट भाग, क्योंकि ये प्रकट है, दिखाई देता है, इसका अनुभव होता है। और अप्रकट क्या है, जो नहीं दिखाई देता, वो क्या है, वो मैं हूँ, साक्षी, अनुभव करता, जिसकी कल हमने बात की थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने जाना था कि वो निराकार है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, अमर है, ये सब, है ना। तो आज जो तीन को मिला करके जो दूसरा भाग है, प्रकट भाग, उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसी को कहते हैं माया, ठीक है। तो अब ये जो माया है, यानी ये जो प्रकट भाग है, सारे अनुभव मिला करके, तीनों तरह के ये सब अनुभव मिल करके, जिसका भी हमें अनुभव हो जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आंखों से दिखता है, जिसको भी हम जान पाता है, जिसको भी मैं जान पाती हूँ, वो सब प्रकट भाग है, जिसका भी अनुभव हो रहा है। तो ये तीनों तरह के अनुभव मिला के क्या हो गया, प्रकट भाग, ठीक है। इस प्रकट भाग को ही कहते हैं माया। अब इसे माया क्यों कहते हैं, माया शब्द का अर्थ है जो जो प्रतीत होता है पर वास्तव में है नहीं। ये शरीर, ये जगत, ये मन के अनुभव, संवेदनाएं, भावनाएं, विचार, इच्छाएं, ये लगता है कि है, प्रतीत होती है, पर वास्तव में है नहीं। कैसे, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। और कैसे देखेंगे, कहीं से पढ़ के नहीं,
किसी से सुन के नहीं, बल्कि आप ही अभी के अभी अपने अप्रोक्ष अनुभव और बुद्धि से, अप्रोक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आपके अनुभव में है उससे, और आपकी बुद्धि से यानी तर्क से, लॉजिक जैसे जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी उसी के बेसिस पे आपके सामने ही आएगा कि ये वास्तव में कैसे नहीं है, ये मिथ्या कैसे है ना। तो देखिए, हम ये सच क्यों नहीं है, तो हम अपने जीवन में सच का निर्धारण कैसे करते हैं ये बताइए। कोई चीज सच है या झूठ है ये कैसे डिसाइड करते हैं हम बताइए। कोई भी आप में से अपने दैनिक जीवन में या बहुत महत्वपूर्ण जो मसले होते हैं वहां पर या दर्शन में, कहीं भी ले लीजिए, हम कैसे, किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे हम डिसाइड करते हैं कि ये सच है और ये झूठ है। एनीवन ऑफ यू? अनुराधा जी, हाँ आप बताइए। मैं साइंस के हिसाब से जो रिपीट कर सकते हैं, जिसे रिपीटेबल जो एक्सपीरियंस होता है, या जो ठोस होता है, जो मेजर किया जा सकता है, जो देखा जा सकता है, जो छुआ जा सकता है। अच्छा, वो सच है। ठीक है, और कोई? सच मेरे हिसाब से जो परमानेंट एग्जिस्ट करता है, जो जो परमानेंट एग्जिस्ट, ऐसा क्या है जो परमानेंट एग्जिस्ट करता है? वो तो है ही कुछ नहीं, एक्सेप्ट नहीं वही, कुछ नहीं। फिर से वो सिर्फ वही है जो हमारी मूल चेतना, ये कह सकते ठीक है, हैं हाँ जिसको हम, क्योंकि ठीक है, बाकी सब तो बदलते रहते हैं, तो फिर वो सच कैसे हुए? हाँ तो सच मैम का तो, एक हाँ मैम हाँ एक और बताइए। बार क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, एक और बार क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन करें। ये है कि हम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, या जो भी कोई महत्वपूर्ण मसला है उसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि ये सच है ये झूठ है? ठीक है मैम, मैम अपने परसेप्शन से। परसेप्शन से। ठीक है, चलिए, आप जो दोनों ने उत्तर दिए काफी अच्छे थे। अब देखिए, अब आप ही देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही करते हैं। सपोज आपको कोई एक व्यक्ति मिलता है और पहली बार मिलता है, वो अपना नाम आपको सुरेश बताता है, ठीक है। दूसरे दिन वो आपको मिलता है तो आप अपना नाम महेश बताता है, ठीक है। तीसरे दिन वो आपको मिलता है, अपना नाम दीपक बताता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ये तो झूठ है, क्योंकि ये रोज नाम बदल देता है ना। इसी तरह से आप बाजार में कुछ लेने जाते हैं, किसी चीज का भाव एक दिन कुछ होता है, सपोज 500 रुपए किलो है, फिर 200 रुपए किलो है, किसी और को वो कुछ बता रहा है, आपको कुछ और बता रहा है, तो भी क्या बोलेंगे आप कि ये झूठ है ना। ये छोटी मोटी चीजों में है। तो यानी कि आप सच कब मानते हैं, आप बताइए इसके बेसिस पे, आप सच कब मानते हैं? जब वो बदले नहीं, एक जैसा रहे, रोज के रोज एक जैसा, जैसे आपका खुद का नाम है, क्योंकि बचपन से एक ही नाम बोला जा रहा है और पेपर में भी वही नाम है, सेम है, इसीलिए वो क्या लगता है, सच है कि नहीं। अगर वो बदल दिया जाए हर थोड़े दिनों में, और पेपर में कुछ और हो, बोलता है कुछ और हो, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नाम सच है, तो क्या लगेगा, वो झूठी है। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में सच का निर्धारण कैसे करते हैं कि जो बदलता नहीं है जल्दी, एक जैसा रहता है ना, वही सच है, ठीक है। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण मसले हैं जीवन के, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वहां पे जो बेचने वाला है उससे पूछते हैं कितनी है इसका साइज, तो वो जो बताएगा, जो भी 1000 स्क्वायर फीट या कुछ भी है ना, और फिर किसी और से पूछें वही निकले, फिर आप नाप के देखें तो भी वही निकले, पेपर में भी वही लिखा हो, तब आप मानेंगे कि ये सच है ना, अदरवाइज उसको सच नहीं मानेंगे। इसी तरह से जब कोई रिसर्च होती है किसी लैब में ना, वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, जो अनुराधा जी भी बात कर रही थी, तो वहां पे भी क्या होता है, अगर रिजल्ट एक जैसा आता है, एक एक्सपेरिमेंट का सेम रिजल्ट आता है बार बार, कि हाँ यही आया, इस तरह से करके देखा तो भी यही रिजल्ट आया, तब उसको सच माना जाता है कि हाँ अब ये सही है और इसको मार्केट में उतारा जा सकता है, सपोज कोई दवाई बना रहे हैं तो, है ना। और इसी तरह से डॉक्टर, अगर कोई मेडिसिन
सब पे इफेक्ट करती है, एक जैसा इफेक्ट आता है, तो उसको सक्सेसफुल माना जाता है, सच माना जाता है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं कि ये झूठ है, सही नहीं है, उसको हटा देते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से दर्शन में भी, यहाँ जब हम माया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सच है कि झूठ है, तो यही क्राइटेरिया, यही मानदंड हम देखेंगे, ठीक है। तो दर्शन में भी यही सच के लिए मानदंड यूज किया जाता है, ठीक है, यही क्राइटेरिया कि जो बदलता नहीं है वो सच है, और जो बार बार बदल जाता है वो सच नहीं है। जैसे कि आप किसी सुनार की दुकान में जाते हैं और वहां पे देखते हैं तरह तरह के आभूषण हैं, कानों के इयररिंग्स हैं, नेकलेस है, कंगन है ना, तो अब आप उससे पूछे कि इसमें से कौन सा आकार सच है, तो उसका क्या उत्तर होगा? अगर उससे पूछे कि कौन सा आकार सच है, ये कंगन का गोल आकार सच है कि नेकलेस जो है वो आकार सच है कि इयररिंग सच है, तो उसका क्या जवाब होगा? कोई भी आकार सच नहीं है, है ना। आकार तो कोई भी सच नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ भी बदला, उसको तो कुछ भी बदल के बनाया जा सकता है, सोने को पिघला करके फिर से कुछ भी बनाया जा सकता है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आप उससे कहें कि मुझे कंगन दे दो लेकिन सोना मत दो, सिर्फ कंगन दे दो, तो वो दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आकार कुछ है ही नहीं ना अपने आप में, है ना। मतलब उसको वो भी सोचेगा कि बिना सोने के कंगन तो पॉसिबल ही नहीं है देना, है ना, चाहे वो किसी और मटेरियल का दे, लेकिन कुछ तो उसका तत्व तो होना ही पड़ेगा, तभी वो आपको दे पाएगा। खाली आकार अगर आप मांगने जाते हैं तो वो देना पॉसिबल नहीं है। तो ये इसी तरह से जितने भी अनुभव हैं शरीर के, जगत के, मन के, वो उस आकार की तरह ही है, सिर्फ वो रूप है तरह तरह के, जैसे सोने के आभूषण इनके रूप है, मिट्टी की चीजें, घड़ा है, गमला है, या दिया है, कुछ भी है, ये सब क्या है? सिर्फ उसके रूप है, और उस रूप को हमने नाम दे दिए, इसलिए इनको बोलते हैं नाम रूप, है ना। तो नाम रूप जो है वो सिर्फ दिखता है इंद्रियों से, वास्तव में वो कुछ है नहीं, उसको आप अलग से लेने की कोशिश करें तो ले नहीं सकते, वो क्या होगा? तत्व तो उसके साथ आएगा ही, ठीक है। तो नाम रूप क्या हो गए? मिथ्या हो गए। तो अब क्योंकि सारे अनुभव, कोई भी अनुभव आप ले लीजिए, पहाड़, आपको लगता है कि, क्या आपको लगता है पहाड़ सच है? पहाड़ भी बदल रहा है, सिर्फ ये कि हमारा जीवन छोटा है और कुछ साल है, और वो कई सालों में बदलता है, धीरे धीरे परिवर्तन वहां पे भी हो रहा है। तो जितने भी अनुभव हैं सब के सब बदलते हैं, नाम रूप है, इसलिए क्या है? मिथ्या। इसलिए इसको बोलते हैं हम मिथ्या, सिर्फ प्रतीत होते हैं, वास्तव में है नहीं। जैसे अभी मैंने बताया, आकार मिट्टी की किसी चीज का आकार या सोने के आभूषण का आकार सिर्फ प्रतीत होता है, वास्तव में अगर हम उसे अलग से कित कहें, इसका अलग से कुछ अस्तित्व है, मैं इसको ले लूं, तो वो संभव नहीं है, ठीक है। अब तो क्या हुआ? माया मिथ्या है, ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई प्रश्न किसी का कि माया को, मिथ्या को क्यों कहा गया है, और माया क्या है? माया मतलब ये सारे तीनों तरह के अनुभव, समस्त प्रकार के अनुभव, प्रकट भाव, उसी को माया कहा गया है। और माया क्यों कहा गया? माया शब्द का अर्थ है जो सिर्फ प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। और वो मिथ्या क्यों है, ये भी अभी हमने अपने अनुभव से और तर्क से देख लिया, है ना, ठीक है। यस मैम, यस। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आगे चलें। तो माया मिथ्या है। अब जो भी हमें दिखाई देता है ना, वास्तव में जो भी हमें दिखता है, तो वो क्या वो सच है, या सिर्फ जो इंद्रियां बता रही हैं वो दिखता है? मतलब अब जो अगली बात है वो ये है कि इंद्रियां भी जो बताती हैं, मतलब हमें वही प्रतीत होता है जो इंद्रियां बता देती हैं, वास्तव में वो चीज क्या है? आपके सामने अभी कोई भी वस्तु रखी है, वास्तव में वो क्या है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप सिर्फ वही बताएंगे जो आपकी इंद्रिय बता रही है उसको, जो आपकी आंखें देख पा रही हैं, आंखें जो भी उसका चित्रण कर रही हैं
वो आपको लग रहा है कि वो वही चीज है ना। उदाहरण के लिए इसको और समझते हैं हम अभी, कि जैसे इंद्रियां कौन कौन सी, आंखें हो गई है ना, सबको पता है सेंस ऑर्गन्स, कान हो गए, जीभ हो गई स्वाद की, नाक हो गई, और त्वचा स्पर्श की इंद्रिया, ठीक है। ये पांचों इंद्रियां हमें बताती हैं, पूरा जगत सबका अनुभव हमें इन्हीं पांच इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो देखिए, क्या इंद्रियां जो बताती हैं वो वास्तव में सच है, ये देखिए, क्योंकि सच अभी हमने देखा कि कैसे डिसाइड करते हैं जो बदले नहीं। अभी जैसे आपको, आपने चाय, आप चाय पीते हैं, सपोज आप मीठी चाय पीते हैं ना, आपकी जीभ को वो मीठी लगती है। अभी आप उसके पहले जब मीठा खा लेते हैं, कुछ मिठाई खा लेते हैं, और फिर उसी चाय को पीते हैं, तो क्या वो मीठी लगती है? नहीं लगती, फीकी लगती है। अब चाय तो वही है, वही स्वाद था ना उसका तो, लेकिन एक बार वो क्या हुआ, मीठा लगा, और एक बार वो मीठा नहीं लगा। यानी परिस्थिति जैसे ही बदली, कि उसके पहले आपने कुछ और खाया हुआ है, परिस्थिति बदलते ही जो इंद्रिया जो बता रही है जीभ, वो सूचना भी बदल गई। बदल गई कि नहीं? इसी तरह से आप देखेंगे, आप अगर चश्मे लगा लें अलग अलग रंग के, तो हर कलर का चश्मा आप लगाएंगे तो बाहर का कुछ आपको अलग ही रंग दिखाई देता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस में आप देख सकते हैं ना। तो जैसे ही परिस्थिति बदलती है, वैसे ही इंद्रियां अपनी सूचना भी बदल देती हैं, है ना। इसमें मुझे लगता है और ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इस बारे में। आप देखेंगे कि कोई भी और भी उदाहरण ले सकते हैं, आप देखेंगे अलग अलग लोगों के उदाहरण ले सकते हैं, कि अभी तो जैसे आंखों से जितनी स्थूल चीज है, वो फिर भी क्योंकि सबको एक जैसी दिख रही है, तो हमें लगता है कि ये सच है। लेकिन जैसे जैसे हम मन की तरफ बढ़े, मानसिक अनुभव की तरफ आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि सबके अलग अलग अनुभव है, सबकी इंद्रियां अलग अलग बता रही हैं। ये तो मैंने आपको पांच ये इंद्रियां बताई जो बाहर की, लेकिन मानसिक अनुभव जो होते हैं वो मानसिक इंद्रियों से होते हैं। इंद्रियां बहुत तरह की होती हैं। तो अभी देखिए, जैसे एक ही गाना है, वो किसी को बहुत पसंद आता है, बहुत मधुर लगता है, वही गाना किसी को बहुत ही बेकार लग सकता है ना। अब गाना तो वही है, तो अब सच में आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो मधुर है या कर्कश है या कैसा है ना? क्योंकि सबका उसके लिए, सबकी इंद्री, मतलब सपोज पांच लोग हैं, तो सब उसके लिए अलग अलग, उनकी इंद्री उसको अलग अलग बताएगी कि ये कैसा गाना है ना। इसी तरह से आप में से कोई भी और उदाहरण बताइए, आप लोगों में से बताइए कोई भी उदाहरण ऐसा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैम, आप ये बोल रही हैं उन चीजों के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है कि जो हाँ, सब्जेक्टिव है, एक दो वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। यस, तो जो म्यूजिक है या खाना है, या मैंने अभी रसगुल्ला खा लिया तो चाय मीठी नहीं लगेगी, ये मेरे पूर्व जो एक्सपीरियंस, द पास्ट एक्सपीरियंस, या जो कल हमने किया था कि जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, या मेरी जो जो भी कॉन्सेप्ट से है, जो भी मैं, तो उसकी वजह से जो है परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन, तो उसकी वजह से मेरी जो ये इंद्रियां हैं, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं, वो क्लाउडेड हो जाते हैं, या एक कुछ हो जाता है। इस वजह से मेरी एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपीरियंस, या राजश्री मैम की एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकती है, द वे वी परसीव इट, ऐसे ये द बोल रहे वे वी परसीव इट। तो इससे इससे प्रूव क्या होता है कि जो भी हमें दिख रहा है सामने, हमें लगता है कि ये पेड़ है ना, या कुछ भी चीज जो आपके सामने रखी है, पर वास्तव में वो वहां पे पेड़ नहीं है। पेड़ नाम हमारे माइंड ने दिया है ना, ये इंद्रियों ने एक चित्र बना दिया है कि ऐसा ऐसा है, फिर माइंड ने उसको एक नाम दे दिया कि इसको ये कहते हैं, पर वास्तव में वो क्या है वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ हमें क्या दिख रहा है, जो इंद्रियां बता रही है, और इंद्रियां कभी भी सच नहीं बताती। एक पक्षी है, या जैसे कुत्ता है, सबकी इंद्रियां अलग अलग तरह की होती हैं, आप सबको पता है ये चीज है ना। तो जैसे कुत्ते को कहते हैं रंग नहीं दिखाई देते, या उसकी जो सूंघने वाली है वो ज्यादा होती है ना। तो इस तरह से इंद्रियां जो बताती हैं वो कभी भी सच नहीं है, वो सिर्फ वहां पे कुछ है, इतना हम कह सकते हैं कि वहां पर कुछ है, लेकिन जो दिख रहा है वो इंद्रियों द्वारा बताया गया है, और वो सच नहीं है। ये बात क्या सब तक पहुंच रही है? ठीक है,
मैम मैं एक बात पूछूं हाँ जी पूछिए। कि जैसे आपने कहा कि संवेदना संवेदना तो हमें दिखाई नहीं दी, हाँ किंतु जैसे एग्जाम्पल दिया आपने सोने का कंगन या हार, उसका तो एक शेप है जो हमें दिखाई भी देता है, और जिसे हम जैसे कंगन हाथ में पहनते हैं, गले का हार हम गले में पहनते हैं, कान का हम कान में पहनते हैं, हम इयररिंग्स तो हाथ में नहीं पहनते। हाँ जी तो इसे आपने माया कहा एक एग्जाम्पल में, तो हाँ ये समझा माया नहीं कैसी है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। कौन माया कैसे है, संवेदना संवेदना ठीक है, संवेदना माया कैसे है ऐसा। आया है ये समझ में आ गया, क्योंकि उसका अच्छा कोई आकार नहीं है, वो प्रकट है पर फिर भी आकार नहीं है तो है, किंतु जिस चीज का आकार दिख रहा है बदल रहा है, सोने का रूप बदल रहा है, किंतु वो हाँ माया कैसे है ये थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं हुआ। देखिए मैंने क्या बताया, माया मतलब जो दिखता है प्रतीत होता है पर वास्तव में सच नहीं है, ये बताया मैंने। तो क्या आकार सच है क्या, और सच क्या, और सच किसे हमने सच नहीं कहा है, जो बदलता रहता है, तो क्या आकार को बदला नहीं जा सकता। अच्छा उस परसेप्शन से वो सच है हाँ, क्योंकि उसे और बदला आप नहीं जा अलग सकता। से अगर कहें कि अच्छा मुझे ये कंगन चाहिए बिना सोने के, तो क्या वो संभव है, मुझे उसमें से सोना नहीं चाहिए सिर्फ कंगन चाहिए, सोना नहीं सिर्फ कंगन चाहिए, तो क्या वो है। संभव है, हाँ। बताइए। तो वो कंगन सोने का नहीं होगा, किसी और मेटल का होगा, किंतु हाँ कहीं तो कुछ तो होगा उसमें, हाँ कुछ होगा मतलब वो कुछ तत्व, वही तो तो मैं वो कह रही हूँ, तत्व तत्व ही बदल के गया। बिना नाम रूप कुछ भी नहीं है, हाँ तत्व जो भी है तत्व है, तत्व नाम रूप ही कुछ सत्य है, नाम रूप सत्य नहीं है, नाम रूप का अलग से कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये कहना चाहिए, हाँ इस तरह से वो मिथ्या है, समझ हाँ अब समझ गई मैं। के। हाँ ठीक सब अब समझ गई, थैंक ठीक यू। तो इसलिए माया को मिथ्या बोला गया है, और इंद्रियां जो भी बताती हैं वो सच नहीं है। सत्य क्या है, यानी कोई भी अनुभव सत्य नहीं है, सारे अनुभव मिथ्या है, और सच क्या है, बदलता क्या नहीं है, इन अनुभवों को करने वाला दृष्टा साक्षी जो कि मैं हूं, जिसके बारे में हमने कल जाना था, ठीक है। तो ये है माया का ज्ञान। आदित्य जी आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी ये जोड़ना चाहूंगा कि अद्वैत वेदांत में जो अंतिम बात आती है वो यही आती है कि कोई रचना नहीं हुई है, तो सारे प्रश्न ध्वस्त हो जाते हैं। अंतिम निर्णय क्या आता है, कोई रचना हुई ही नहीं है, जो भी रचना है वो केवल भ्रम मात्र है, माया मात्र है। जैसे आपने कहा ना कि सारी इंद्रियां झूठ बताती हैं, वास्तविक नहीं बताती हैं वो, क्योंकि वो सीमित हैं, वो अनुभवों को सीमित करती हैं, नाद को सीमित करती हैं, तो वो वास्तविक कभी बता ही नहीं सकती, उनमें क्षमता ही नहीं है इंद्रियों में। इसीलिए जो है ना, जब आप उदाहरण देती हैं सोने का और सोने से बने आभूषणों का, तो आपने कहा ना कि आकार आप खरीदने जाओगे तो नहीं मिलेगा, तो आकार बिना तत्व के आकार एग्जिस्ट ही नहीं करता, जी यही बात है यदि बिल्कुल। तत्व नहीं है तो आकार कहाँ से आएगा, इसलिए तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है, अतः कोई भी रचना नहीं हुई है, ये रचना उनका से भ्रम मतलब यही, जो भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ भ्रम मात्र है, वही बात मात्र बोल है। रहे हाँ हैं, वो मिथ्या कहो या ये भ्रम है सिर्फ, है ना। जो भी है वो तत्व ही है, और तत्व क्या है, अनुभव करता जो कभी नहीं बदलता, ठीक है, वो हमेशा कॉन्स्टेंट है इस सब में, इस सब को देखने वाला, इस सब का अनुभव करने वाला, ठीक है। तो ये हुआ माया का ज्ञान। तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और तो हमने जाना अनुभवकर्ता के बारे में, हमने जाना अनुभव के बारे में, अनुभव यानी माया, अनुभवकर्ता सत्य स्वरूप मेरा। अब हम जानेंगे ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म से क्या मतलब है, हम में से कोई बताएंगे? ब्रह्म जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनती है? ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म यानी क्रिएटर। क्रिएटर। और कोई? जो जो हर वक्त हर जगह स्थिर है, फिर मतलब है। हर जगह वही सत्य है। जैसे सूरज सत्य है पूरे वर्ल्ड के लिए, या फिर आग में हम हाथ डालेंगे हर जगह जलेगी, चाहे वो अमेरिका में मैं हाथ डालू गर्म पानी में या इंडिया में, हर जगह वो सत्य एक ही होगा, बदलेगा नहीं, चाहे जगह हो समय हो या परिस्थिति हो, वो बदलेगा नहीं। जी, और कोई? या ब्रह्म हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें कोई भी पदार्थ या वस्तु दिखाई देती है, जिसको हम कुछ समझते हैं कि ये है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं पूछ रही हूँ, ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म यस यस ब्रह्म। ज्ञान वाला ब्रह्म, ब्रह्मन। ये वो गलत बोल गई मैं, लेकिन हाँ हाँ ब्रह्मन है हाँ देखिए जिसके तो, अस्तित्व कारण पदार्थ दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको बहुत सिंपल बताती हूँ। इसीलिए मैंने पूछा था क्योंकि ब्रह्म सबको लगता है जैसा आपने अभी बताया, पर ब्रह्म का सीधा सा मतलब है ये अस्तित्व, ये संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्णता, उसी को संस्कृत में ब्रह्मन कहते हैं और हिंदी में ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, अस्तित्व, यूनिवर्स जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, वही वो संपूर्णता जिसमें सब कुछ आ जाता है, वही ब्रह्म है। संस्कृत में ब्रह्मन, हिंदी में ब्रह्म, ठीक है। और उसी का अब हमें करना है ब्रह्म ज्ञान, यानी अस्तित्व का ज्ञान, उस संपूर्णता का ज्ञान कि वो क्या है। ठीक है, तो संपूर्णता जब मैं कहती हूं तो संपूर्णता में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मतलब अनुभव भी, अनुभवकर्ता भी, सारे तरह के अनुभव, देश काल जो भी, सब कुछ, सारी भावनाएं संवेदनाएं, कुछ भी, जो भी आप सोच सकते हैं, ज्ञान अज्ञान, अंधेरा उजाला, सब कुछ वो है अस्तित्व, संपूर्णता। ठीक है, तो पहले आपको ब्रह्मन का मतलब समझ में आया सबको? संपूर्णता, अस्तित्व, अस्तित्व मतलब जो भी है, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ, ठीक है, वो है अस्तित्व, वही है ब्रह्म और वही है ब्रह्मन। तो अब उसके ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो हम देखें कि उसमें क्या क्या है, पहले उसका कंपोजिशन है ना, किससे मिलके बना है। तो वो किससे मिलके बना है, आप देखेंगे कि जो भी है वो दो ही कैटेगरी आपको मिलेंगी, या तो अनुभव है या अनुभव करता है, दो ही चीजें हैं, कोई तीसरा कुछ है नहीं। आप सोच के देखिए इसमें 1 मिनट, उस तीसरा कुछ हो सकता है? जो भी दिख जाएगा, जो भी प्रकट है, वो सब अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, और जो नहीं दिख रहा है, जो अव्यक्त है, जो अप्रकट है, इसका मतलब वो उसको अनुभव कर रहा है, यानी वो अनुभव करता है, वो होगा दृष्टा। तो दो ही चीजें हैं इसमें, या तो अनुभव और दूसरा अनुभवकर्ता, तीसरा कुछ इसमें नहीं है। मैं ठहर जाती हूँ, आप लोग सोच के देखिए इस बारे में, कोई शंका है तो पूछिए। मैम, ये जो लास्ट सेंटेंस है वो आप फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज? दो ही चीज है, एक है जो जो सच एक है तो और दूसरा सारे अनुभव, सारे अनुभव। जितनी भी तरह के अनुभव है आप सब ले लीजिए, और दूसरा इनको अनुभव करने वाला, तो अनुभवकर्ता। ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया जो आपने अभी बताया ना। तो लेकिन इसका जो अभी हमने पीछे जो पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि हाँ कुछ भी जो हमारी इंद्रियां देखती हैं वो मिथ्या है, हाँ वो और मिथ्या क्रिएशन, है। वो हाँ क्रिएशन हुई नहीं जो आदित्य जी सर ने, हाँ तो हाँ 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 इस लेकिन दोनों का वो लाइक प्रतीत तो हो रहा है ना, हाँ, अच्छा उसी तो को हम अस्तित्व। अनुभव कहेंगे। जो अभी माया के बारे में जो रीनू जी ने बताया ना, वो माया ही अनुभव वो आपने ये बोला ना कि कुछ क्रिएशन हुआ ही नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए। है।
नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है मैम, हाँ जस्ट हर चीज को अलग हाँ हाँ अलग कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं, लेकिन हाँ दिमाग तो में ये आ अभी रहा है कि स्टेप इसको वाइज चलिए दोनों आप। हाँ मैं वही कह रही हूँ, अभी स्टेप वाइज चलिए, अभी उस चीज को भूल जाइए। अभी स्टेप वाइज हमने क्या देखा पहले कि एक मैं अनुभव करता हूँ, हमने नेति नेति से सबको हटाया। एक है जो खुद दिखाई नहीं देता लेकिन सबको देखता है, सारे अनुभव है ना, वो है दृष्टा, साक्षी या अनुभवकर्ता। और दूसरा आज हमने देखा माया, जो कि दिखती है, प्रतीत होती है, वास्तव में है नहीं, मिथ्या हमने उसको कहा है। लेकिन जब हम संपूर्णता की बात कर रहे हैं तो अस्तित्व में दोनों चीज है, प्रकट भी अप्रकट भी। भले ही वो मिथ्या है लेकिन हम अनुभव में है, वो अनुभव के रूप में है वो, है ना। जी मैम, समझ में। ये ठीक ज्योति है, शर्मा जी का हाथ रेज है, उनसे पूछ लें। ज्योति हाँ हाँ जी, शर्मा जी, अनम्यूट करें प्लीज। राम राम मैम। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि जो अनुभव करता है वो सारे अनुभव करता है, पर अगर वो जो अनुभव हो रहे, अगर वो चाहे अनुभव करता ना हो तो वो बदल सकता है? मतलब क्या चाहे अनुभव करता ना हो तो बदल सकता है, मतलब। जो अनुभव हो रहा है, जैसे हम लोग को अच्छे अनुभव होते हैं, बुरे अनुभव होते हैं, तो आपने हाँ कहा वो दृष्टा जैसे बस देखता रहता है, हाँ तो वो जो देखने वाला है वो क्या उन चीजों को बदल सकता? नहीं, वो बदलता नहीं है। आप कल आए थे, कल का सेशन अटेंड नो, किया था? मैं नहीं आ पाई थी कल, मुझे आज हाँ लेट थोड़ा बताया गया ग्रुप में कि मैम का लेक्चर है आपको, तो मैं यहाँ अच्छा, हूँ। हाँ नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि अगर आप कल अटेंड करते तो ये प्रश्न आपको नहीं आता, है ना। अनुभव करता पर्दे की तरह है, जैसे पर्दे पे चित्र चलते हैं, मूवी चलती है ना, तो पर्दे पे जो हाँ मूवी चल रही है उसको पर्दा तो बदल नहीं सकता ना, पर्दा तो निर्लिप्त है, बस उसके ऊपर वो चल रही है। ऐसे ही अनुभव करता है, इसीलिए उसको सिर्फ दृष्टा कहा गया है, साक्षी कहा गया है, वो कुछ करता नहीं है ना, वो अनुभव बदल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने विचारों की वजह से ही यहाँ पर है, जो हमने क्रिएट किया उसी की वजह से है। अगर हमारे विचार हम शून्य में चले जाए तो कुछ नहीं होगा, मतलब वही वही है रियल मीनिंग हाँ, ऐसा। शून्यता में अगर आप स्थित हो जाएं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और वही होता है, निर्लिप्त हो जाना ही अनुभवकर्ता हो जाना। आप अनुभवकर्ता हैं पहले से? हाँ नहीं मैम, मैंने पढ़े हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हाँ हूँ, तो मैं वो अष्टावक्र गीता वगैरह पढ़ती हूँ मैं भागवत, तो हाँ मैं हाँ हाँ उसी से मैंने कहा कि आप जो हाँ सोचते वैसे, तो अगर आप जैसे मैं करती हूँ ध्यान वगैरह, तो मेरे जो हार्ट चक्र है ना, तो मैं उस पे मुझे बहुत अलग सा अनुभव फील होता है, ऐसा लगता है कि उससे समा जाओ, मतलब इतना आनंद कि उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो आप, ऐसा। तो कोई चाह वाह ये ऐसा नहीं कि कुछ मैं बस शून्य में जाली, अपने मन से बहुत अच्छा फील होता है। तो मेरे को लगता है कि यही तरीका होता है कि अपने आप को विलीन करके वहां तक पहुंचने जी, का। अभी तरीके आपको और भी पता चलेंगे, लेकिन अभी हम ये डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, इसको पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी शेयरिंग या प्रश्न जो भी है वो आराम से करिएगा, है ना। थैंक यू तरीके मैम, मच अभी थैंक इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप आराम से बताइएगा यू। ओके आपको मैम, ओके, थैंक यू। एक्सपीरियंस शेयरिंग भी और क्वेश्चन भी कुछ भी है, है ना। ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्रह्म ज्ञान की, यानी अस्तित्व के ज्ञान की, अस्तित्व के बारे में क्या ज्ञान हो सकता है ना। और अस्तित्व है संपूर्णता, और अभी हमने देखा संपूर्णता में दो ही चीजें हैं, या तो अनुभव, एक तो अनुभव और दूसरा अनुभवकर्ता, तीसरा कुछ है नहीं। तीसरा कुछ भी आप लाएंगे तो इन दोनों में से एक में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रकट है तो वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, और अगर वो अप्रकट है तो फिर वो अनुभव करता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया कंपोजिशन, यानी कि अस्तित्व दो चीजों से मिलके बना है, अनुभव से और अनुभवकर्ता से। अब इसमें से कौन सा है जो सत्य है, जो बदलता नहीं है, बताइए। बहुत आसान है ये तो, अनुभव करता, कल आपने कर बताया था, अनुभव करता, दृष्टा। अनुभव तो बदलते रहते हैं, अनुभव तो मिथ्या है। जो नहीं बदलता उसमें से वो क्या है, अनुभव करता, अनुभव करता, है ना। और तो मैं अगर पूछूं कि अस्तित्व का तत्व क्या हुआ फिर, अनुभव या अनुभव करता। अस्तित्व में दो चीजें हैं, एक अनुभव है, एक अनुभव करता है,
जिसमें से अनुभवकर्ता बदलता नहीं है, अनुभव बदलते हैं। और अभी अगर मैं पूछूं कि फिर अस्तित्व का तत्व क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अनुभव करता जो बदल अनुभव नहीं रहा है। करता। तो अस्तित्व का तत्व क्या हुआ? अनुभव करता। और अनुभव करता कौन है? मैं। कलम ने देखा था। तो मैं ही अस्तित्व का तत्व हूं। और अब ये महावाक्य आपको समझ में आ गया होगा, अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया है? आया समझ में? जी अहम ब्रह्मास्मि, मैं। अहम कौन है? मैं अनुभव करता, और वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म का तत्व है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक नो। है, तो अस्तित्व में दो भाग हो गए, अनुभव, अनुभव करता, जिसमें से अनुभव करता उसका तत्व है। अब हम देखें ये अनुभव करता और अनुभव में क्या संबंध है आपस में। ठीक है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, या ये दोनों एक ही हैं, या इनके बीच में क्या संबंध है? ठीक है, तो अनुभवकर्ता आप हैं, और अनुभव आपके सामने कोई भी वस्तु है, आप उसको ले लीजिए, और उन दोनों के बीच में दूरी देखिए कितनी दूरी है। तो हमें पता चल जाएगा अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में अगर कोई दूरी है तो वो अलग अलग है, अगर कोई दूरी नहीं है तो वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि दो चीजों के बीच में अगर दूरी नहीं है तो इसका मतलब वो एक ही है, ना समय की ना स्थान की। तो बताइए, अनुभवकर्ता यानी आप, और आपके सामने जो भी अनुभव चल रहा है, चाहे टीवी चल रहा है, चाहे कोई वस्तु रखी है, उसके बीच में कितनी दूरी है? मैम समय की दूरी है। समय की दूरी है। अच्छा, पहले स्थान की दूरी बताइए, फिर समय की बात करेंगे। जैसे हम मोबाइल से अभी अटेंड कर रहे हैं, 6 इंच की दूरी है अगर इंच परफेक्टली। की दूरी है। ठीक है, और कोई? टीवी भी सामने है तो वो 10 फीट की तो दूरी है ही। अच्छा, अब देखिए, मैं अनुपमा जी आप बताइए, मैं सोचती हूँ आपसे ही आंसर देंगी। मैं दूरी नहीं है ना, जब मैं अनुभव कर रही हूँ मुझे में हो रहा है तो फिर दूरी कहाँ है? देख भी मैं देखिए, रही हूँ आपने मेरे दूरी किससे बताई है? शरीर से। शरीर खुद शरीर एक से। अनुभव है, शरीर खुद एक अनुभव है, कल हमने बात की थी ना। तो शरीर से दूरी नहीं नापनी है, अनुभव कर्ता से दूरी, और अनुभव कर्ता निराकार है, सर्वव्यापी है। तो आप कहाँ पर सीमा रेखा खींचेंगे, कहाँ से रख के नापेंगे, है ना? तो शरीर खुद एक अनुभव है, मन भी अनुभव है, विचार भी अनुभव है, सब कुछ अनुभव ही तो है, और सामने जो रखा है वो भी अनुभव है। तो अनुभव कर्ता और अनुभव के बीच में कोई दूरी नहीं है, हर जगह व्याप्त है वो, है ना? हर अनुभव में वो व्याप्त है, तो कोई दूरी नहीं है। तो स्थान के सेंस में कोई दूरी नहीं हुई, और समय के उसमें देखें तो जब अनुभव होता है उसी समय अनुभव करता है। बिना अनुभव करता के अनुभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और बिना अनुभव के अनुभव करता भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता ना, बिना अनुभव करता के अनुभव, तो दोनों ही अर्थहीन सी बातें हैं। तो अनुभव करता और अनुभव के बीच में कोई दूरी नहीं है, ना समय के संदर्भ में ना स्थान के संदर्भ में। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू, है ना? एक सिक्के के दो पहलू, बिल्कुल वैसे ही है अनुभव और अनुभव करता। ठीक है, तो ये अस्तित्व के दो आयाम हो गए। अब उनको भाग नहीं, आयाम कहना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो फिर से वही आ जाती है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कल आदित्य जी ने बताया था कि समुद्र में लहरें हैं। अब उसमें से अगर हम सोचे कि सिर्फ लहरें ले आए बाल्टी में भर के, तो संभव नहीं है। लहरों को समुद्र से अलग करना, पानी से अलग करना, पानी साथ में ही आएगा, है ना? तो अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है,
ये हुआ। अब तक जो हम दो कर रहे थे, अनुभव अनुभव करता, वो द्वैत की बात थी। जब ये दोनों एक भी हम नहीं कहते उसको, हम कहते हैं दो नहीं है बस, और वही उसी को बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत आपने नाम सुना, अद्वैत वेदांत, तो वही है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, ठीक है। तो यही है ब्रह्म ज्ञान। आदित्य जी आगे अब आप बताइए, ब्रह्म ज्ञान मूल बात मैंने बता दी है। किसी के प्रश्न हो तो पूछें तो फिर बताऊं मैं, बाकी तो जी सब आपने बता ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दो नहीं है एक ही है, तो अनुभवकर्ता ने ही मिथ्या रूप धारण किए हैं। अनुभवकर्ता ने ही सारे मिथ्या रूप धारण किए हैं, शरीर के, मन के, या जो भी हमको दिखाई देता है वो उसी के रूप है, ठीक है। तो अस्तित्व खुद को ही अनुभव कर रहा है अपने मिथ्या रूपों, ये हम कह सकते हैं, यही है ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो मैम हम ये कह अब हाँ, एक मिनट एक मिनट। सकते, तो अब जब, क्योंकि दोनों एक ही है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जब अनुभवकर्ता सत्य है और अनुभवकर्ता और अनुभव एक ही है, तो अनुभव भी एक तरह से सच कह सकते हैं उसको, लेकिन वो बदलते रहता है, इसलिए हम उसको मिथ्या कहते हैं। तो फिर तो ये शरीर भी कह सकते हैं कि हाँ मैं ये शरीर हूं, क्योंकि अनुभव अनुभव करता हम कह रहे हैं एक ही है, उसी का प्रकट भाग है ना। तो ठीक है, मैं ये शरीर हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ये शरीर नहीं हूं, ये सारे शरीर में, क्योंकि अनुभव करता सब में वही एक ही है, सबके लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो एक ही अनुभव करता के ये बहुत सारे रूप हैं, तो सिर्फ एक शरीर मैं नहीं हूँ, ये सारे शरीर मैं हूँ, ये सारे शरीर मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रकट भाग है, ठीक है। अब पूछिए किसी का कोई प्रश्न। तो मैम कल भी यही बात हुई थी, इसका मतलब अनुभवकर्ता जो है वो अंदर भी है बाहर भी है, वो हाँ सर्वव्यापी हाँ है इसीलिए मैंने कहा था कल जब ब्रह्म ज्ञान पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हम एकदम स्टेप वाइज चलते हैं, धीरे धीरे लेकर के, ताकि वो बात समझ में आए। सीधे किसी को बोल दिया जाए तुम ब्रह्म हो, तुम्हारे ही सारे रूप हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए हम इस तरह से चरणबद्ध तरीके से चलते हैं, स्टेप वाइज। अद्वैत में। इसीलिए पहले समझाने के लिए द्वैत की बात की जाती है। हाँ अद्वैत का मायने, जैसे रीनू जी ने बताया ना, अद्वैत का मायने ये हुआ कि दो नहीं, तो दो नहीं पे पहले दो की बात की जाती है, क्योंकि उसी दो में व्यक्ति उलझा हुआ रहता है। वह जो है ना अनुभव को सत्य मानता है। अनुभव क्या है? शरीर, मन और ये जगत, ये अनुभव है, तो वो इन्हीं को सत्य मानता है। लेकिन जो तत्व है उस तक उसकी गति नहीं होती, एक पक्ष उससे छूट जाता है। सिक्के का एक पहलू जो अनुभव के रूप में है उसे वो जानता है, लेकिन जो दूसरा पहलू है अनुभव करता का, उसको वो नहीं जानता, तत्व को नहीं जानता। इसीलिए पहले दो की बात की जाती है, अनुभव यानी माया की बात की जाती है, जो परिवर्तित होता रहता है, उसको माया कहते हैं या भ्रम कहते हैं या जो नहीं है, तो इस तरीके नाम रूप। और दूसरा अनुभवकर्ता जो तत्व है अस्तित्व का, तो इस तरीके से तत्व और माया या अनुभवकर्ता और अनुभव की बात करके फिर वो बाद में बताया जाता है ब्रह्म ज्ञान में कि दो नहीं, वो दो दोनों है, एक ही है फिर, क्योंकि बगैर तत्व के बगैर अनुभव अनुभव करता संभव अनुभव नहीं है। संभव ही नहीं है। तो अभी क्या है कि जो जिसको हम सच मानते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, कि ये जो शरीर दिख रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, ये सब सच लगती हैं, और जो दिखता नहीं वो मैं हूं। अगर आप किसी को बोले कि मैं वो हूं जो दिखता नहीं है, तो कहेगा ये क्या बात हुई, जो सच है उस पे हम विश्वास नहीं करते, उस वो लगता है नहीं, जो वास्तव में सत्य है वो हमें लगता है कि वो सत्य नहीं है, वो है ही नहीं,
और जो वास्तव में नहीं है वो सत्य लगता है। इसलिए माया क्या करती थी, उल्टा घुमा देती, जो नहीं है उसको सच बताती है और जो है वो लगता है कि वो है ही नहीं। समझे मेरी बात? अब इस ज्ञान में स्थित कैसे रहा जाए, इसके लिए ज्ञान मार्ग में जो साधना है उसको साक्षी भाव की साधना कहा जाता है, या चेतना में रहने की बात की जाती है। वही जो मेरा तत्व है अनुभव करता, उसमें स्थित रहना, जगत में जो भी हो रहा है उस हर अनुभव को देखना दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, उससे लिप्त नहीं होना, उसको देखते रहना। जितनी भी वृत्तियां हैं जो भी उठ रही हैं हमारे चित्त से, काम क्रोध मोह लोभ आदि, या जो भी कार्य हो रहे हैं उसको हमें देखना है, और जब उसमें लिप्त नहीं होना है, क्योंकि हमने जाना कि मैं तत्व हूं, मैं ये अनुभव नहीं हूं, ये अनुभव मिथ्या है। तो जब हम उनको दृष्टा भाव से देखने लगते हैं, साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तो वो वृत्तियां नियंत्रित होना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे चेतना का विस्तार होता जाता है, चेतना बढ़ते जाती है, तो फिर उन वृत्तियों से परे जाया जा सकता है, बुद्धि से परे जाया जा सकता है। ये जो मन मन है, मन में जो वृत्तियां चलती हैं, या मन बुद्धि जो है ना, जो जिसको हमने सत्य माना हुआ है, इससे परे फिर गति होती है। इससे परे जो है वो ब्रह्म है, वो मैं हूं। और ये जो तादात्म्य हो गया है कि मन शरीर शरीर मन और जगत, ये जो भी अनुभव है जिससे मेरा तादात्म्य है, ये मैं नहीं हूं। तादात मतलब उसी को सच मान लेना, उसी को मैं मान लेना, उसी से जुड़ जाना, उसी से अटैच हो जाना। तो आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ तो नहीं मैम, प्रश्न तो बहुत है, पर फिर पूछिए ना। अच्छा मैम, क्वेश्चन जो आदित्य सर ने अभी आंसर किया वही मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने पहले ही उसको, लेकिन मेरे मन में जो है फिर भी मैं पूछ रही हूँ। जी तो ये प्रश्न ये है कि इस जी मैं समझ लिया, ठीक है, और ये मुझे ठीक भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं इस वजह से। हाँ जब जो चीज भौतिक रूप में, जैसे कि मुझे प्यास लगी है या मुझे खाना खाना है, ये मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं परसीव कर रही हूँ, तो हाँ ये चीज तो मुझे खैर मतलब जो खाना खाना है पानी पीना है वो तो मुझे करना ही है, तभी मैं लाइक वो जो चाह है वो एक किस्म से उस हाँ पूरी होगी, पूरी होगी। जीवित रहने के लिए जरूरी है वो। अब ये वाली चाह तो मतलब ऐसा लग मनुष्य हूं तो मैं ये सब करूंगी, ये जो अभी जो बात की गई है कि इस स्थिति में मैं कैसे रहूं, दृष्टा की स्थिति में कैसे रहूं, ये उन अनुभवों की हो रही है कि जो मुझे बुरा लगता है, जो मुझे ग्लानि हो जाती है, जो मुझे अधिक गुस्सा आ जाता है, जो मुझे मतलब छोटा महसूस करती हूँ या बहुत अत्यधिक, तो उस तरह की बातों में दृष्टा भाव की बात हो रही है, दृष्टा ऐसा? भाव की, हाँ आदित्य जी आप बोलते, सभी में हो रही है, मतलब उनको रोकना नहीं है हर आपको, उनको रोकना नहीं है आदित्य जी आप। जी हर अनुभव के लिए साक्षी की बात हो रही है, क्योंकि आप साक्षी हो, आप दृष्टा हो, आप अनुभव नहीं हो, इसलिए हर अनुभव के प्रति आपको साक्षी का भाव रखना है। तो अब जैसे आपने कहा, आप देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी, जैसे भूख प्यास आदि की आपने जो बात कहा, तो इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये सब स्वतः होता है। स्वतः संवेदना होती है कि भूख लग गई, स्वतः संवेदना होती है कि प्यास लग गई, आपके शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वो स्वतः दौड़ रहा है। ये जो मैं है ना, ये जो मैं तादात्म्य कर लेता है कि ये मैं कर रहा हूं, यही तो उससे विभक्त करता है, अनुभव करता से या ब्रह्म से अलग करता है। ये इसी विभक्ति को तो समाप्त करना है। एक शिशु की जब कल बात हम कर रहे थे ना, हर जगह वो ये उदाहरण लागू होगा, वो
वो शिशु जो है ना प्रकृति से स्वयं को विभक्त नहीं करता, इस अस्तित्व से स्वयं को विभक्त नहीं करता, वो उससे एक लय है उसमें, क्योंकि अभी तक अहंकार जगा नहीं है, इसलिए वो एक वो उसके साथ एकात्म है। जैसे जैसे हमारी हमारे अंदर मान्यताएं धारणाएं आती जाती हैं, काम करते जाती हैं, वो पुष्ट होती चली जाती हैं, तो फिर हम वो मैं कर रहा हूं ये भाव आ जाता है, ये अहम, ये जो अहम है यही हमें जो है ना इस अस्तित्व से अलग कर देता है। जैसे कि आप समझिए कि अभी हम बात कर रहे हैं, अचानक आपको छींक आ जाए, तो छींक अपने आप आई, लेकिन आप फिर बोलोगे सॉरी, आपने खुद उस कार्य को अपने ऊपर ओढ़ लिया और आपने सॉरी बोला कि छींक मुझे आ गई और आप सॉरी, मतलब आपके कहने का भाव ये हुआ कि मैंने छींक दिया, जबकि वैसा कुछ है नहीं, वो छींक स्वतः आई। तो इस अस्तित्व में क्या है जिसमें आपकी भूमिका है? सब कुछ स्वतः हो रहा है, किसी भी कार्य में आपकी भूमिका नहीं है। सारे दुखों का कारण, ये सारे आध्यात्म बनाए क्यों गए? क्योंकि जो ना यहाँ पर दुख है और ना सुख है, जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो गया कार्य, वो सुख हो गया, उसे मैंने सुख मान लिया। जो मेरी इच्छा के विपरीत हो गया, उसे मैंने दुख मान लिया। जबकि और जैसे कि वही बता रही थी थोड़ी देर पहले रीनू जी की, कोई बात किसी के लिए सुख हो सकती है, किसी के लिए दुख हो सकती है। वही जो है ना, जो जल का वो मीठा का उन्होंने उदाहरण दिया, यदि वो एक तुलनात्मक रूप से, जैसे किसी ने कहा भी था, सब ये सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ पे ना तो कोई सुख है ना दुख है। जब जगत में दुख दिखता है तो फिर उसकी खोज होती है कि दुख है क्यों, तब फिर आध्यात्म की ओर गति होती है, तब पता चलता है कि वो तादात्म्य की वजह से ही दुख है। हर चीज में मैंने स्वयं को कर्ता मान रखा हुआ है, मैंने तादात्म्य कर लिया है कि ये मेरा शरीर है, जबकि और बाकी सारे शरीरों को आप अलग मानते हो। इस जगत में बहुत सारे शरीर हैं, अभी हम अगर यहाँ पर 10 उपस्थित हैं, 9 उपस्थित हैं, 8 उपस्थित हैं, तो मैं अपने आप को छोड़ के बाकी सबको शरीर समझता हूँ। तो जब मैं बाकी सबको शरीर समझता हूँ, तो मैं स्वयं को शरीर क्यों, तो उनको मैं अपने से भिन्न समझता हूँ, वो शरीर रूप में दिखते हैं, लेकिन मैं जब अपने आप को संबोधित करता हूं तो वो भी उनके जैसा शरीर नहीं दिखता, उसके लिए मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने तादात्म्य कर लिया उस शरीर से। जबकि इस जगत में कुछ भी भिन्न नहीं है, सब कुछ एक ही है, एक ही जीवन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी है केवल और केवल ब्रह्म ही है, जैसे कहा जाता है ना कण कण में ब्रह्म, तो वो यही बात बताने की कोशिश रहती है। तो वो जो आपका प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि ये संवेदनाएं या जो भी ये होती हैं, तो मेरा कार्य कैसे चलेगा? तो कार्य स्वतः होते हैं, कार्य का जब आप उसको मैं, ये रहता है कि मैं कर रहा हूं, तब वो कर्ता भाव से दुख पैदा होता है। अब आपको आपने आपको कोई संवेदना उठी, तो शरीर स्वतः चल पड़ेगा और खाने की व्यवस्था करेगा। आप कल्पना करिए कि जब मनुष्य ने कोई ऐसी बस्तियां नहीं बसाई होगी, उसने कोई भूमि के टुकड़े पर कृषि नहीं की होगी और कुछ सामाजिक व्यवस्था नहीं बनी होगी, तो वो बाकी जो अन्य जीव इस प्रकृति में जिंदा है कि नहीं जिंदा है, बंदर आदि या बाकी सारे, तो वो कहीं ना कहीं जब उनका वो जब भूख लगती है, उसके लिए वो प्रयास, शरीर स्वतः प्रयास करता है और पेट भरता है, प्यास लगती है तो खोजता है पानी। मनुष्य ने विचार प्रक्रिया के द्वारा अपना एक आभासी जगत बना लिया है, उसको ये लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, और यही उसे अस्तित्व से अलग करता है, ब्रह्म से अलग करता है। यही भेद वृत्ति है, यही जो है ना आपको मुझसे अलग करता है, मतलब आपको मुझसे, मतलब बाकी शरीरों से मुझे अलग करता है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि की बात आती है, तो साथ में ये भी आता है कि तत्त्वम असि, तो जो आप हो वही मैं हूं, या मैं जो हूं वही आप हो, कोई भेद नहीं है। ये जो ब्रह्म, जो ये महावाक्य आते हैं ना शास्त्रों में, तो सारा कुछ एक ही है, कुछ भी भिन्नता नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है। जो अभेद की स्थिति है वही ब्रह्म है, जो अभेद की स्थिति है वही अद्वैत है।
जो भेद है, जो द्वैत है, वो हमारे मैं की वजह से है, अहम की वजह से है। जी, तो इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि ये जो हमने एक आभासी एक मैं बना लिया अलग से अपने विचारों से ही कि मैं कुछ अलग हूं और मैं ही करने वाला हूं, तो वो सर्वाइवल तक जहां जरूरत है वहां तक ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से उसका होना जरूरी है, वरना ही पता नहीं चलेगा कि भूख लगी है तो मैं किसको खाना खिलाऊं, मुझे तो सारे शरीर मैं ही हूं तो मैं किसी और को जाके थोड़ी ना खाना खिलाऊंगी, खाना तो खुद को ही खाना पड़ेगा, तो उसके लिए उस मैं की भूमिका भी है ना, लेकिन उसमें हाँ वो वहां तक आवश्यक है सर्वाइवल तक, लेकिन जब वो एक्सट्रीम पे ऐसी जगहों पे भी होने लग जाता है तब वो दुख का कारण बन जाता है, जब उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है कि फिर सर्वाइवल के अलावा उसको हम कह सकते हैं अनावश्यक में फिर जब वो चला जाता है कि फिर मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा भी, इसने मेरे बारे में ये बोल दिया वो बोल दिया, यहां पर फिर जब वो बहुत प्रबल हो गया तब वो दुख का कारण है, तो वहां फिर हमें ये चेतना आ जानी चाहिए कि यहाँ अब इसका काम नहीं है और ये है नहीं, इसका काम ये वास्तव में है नहीं, इसका काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए इसका उपयोग है, तो बस उतना ही करना है। बिल्कुल रीटा मैम प्लीज, अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी। यस मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हाँ जैसे फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई तो हमें सब कुछ दे रहा है ना, जैसे पेड़ दिख रहे हैं, डॉग है, कोई भी चीज हमें दिख रही है, तो वो सब अनुभव हैं, ठीक है, और अनुभव और अस्तित्व के रूप में हम सब एक ही हैं, तो चाहे हम ऐसे भी ले लें, जैसे आपने आभूषण की बात करी तो तत्व तो सब में वही गोल्ड है, लेकिन आभूषण का आकार वो अलग है, मगर आकार है। हाँ जी, और इनके फंक्शंस भी उसी सरस तरह हो गए, अब जैसे पेड़ है वो फल भी दे रहा है फूल भी दे रहा है, तो वो उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम किस फॉर्म में लें, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे चूड़ी है बैंगल्स हैं तो वो हम बाजू में पहनते हैं और इयररिंग्स हैं वो कान में पहनते हैं, तो इसके जैसे जैसे एक डॉग बार्किंग कर रहा है वो क्रिया कर रहा है एक, तो उसको हम जब देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ ये अनुभव हो रहा है, लेकिन उस फिजिकल एक्शंस हैं उनको हम किस फॉर्म में लें, मतलब मतलब मैं समझी नहीं आपका प्रश्न, फिजिकल पेड़ एक्शन में किस फॉर्म में ले जैसे, मतलब। मतलब जैसे पेड़ फल देता है फूल देता हाँ है हाँ और हाँ वो यूज भी करते हैं, तो हाँ और वैसे देखने में हम कहेंगे कि ये इसका कोई पेड़ जो दिखाई दे रहा है वो है ही कुछ नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं जब हम उनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो जो फिजिकल प्रोडक्ट ले ले रहे रहा हैं। है वो भी जी कुछ नहीं है, वो भी तो मिथ्या है, ये वही वाली बात हो गई, मैं समझ गई आपका प्रश्न अब, कि आप कह रहे हैं कि अगर ये सब मिथ्या है तो क्या जो मैं खाना खाता हूँ वो भी झूठ है, फिर मैं कैसे खाता हूँ, या मेरा अगर किसी ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया कोई मर गया तो क्या वो झूठ हो गया, है ना, तो ये ऐसे ही है कि जो ट्रेन के सामने आके कटा वो मनुष्य, वो भी आप खुद भी तो झूठ है, ये शरीर भी तो मिथ्या है, आप नहीं शरीर, ये शरीर भी तो मिथ्या है, जो उससे फल खा रहा है उस पेड़ से वो खाने वाला भी मिथ्या है, ये ऐसे जैसे आप रात को सपना देखते हैं, सपने में सब कुछ होता है, कहीं चोट भी लगती है खून भी आता है आप फल भी तोड़ के खाते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो क्या कुछ दिखाई देता है आपको अपने पास, सब कुछ झूठ है, तो ऐसे ही ये माया संपूर्णता में झूठ है, ये जो हम जिसको आप बोल रहे हैं शरीर को वो भी तो मिथ्या है, पूरा सपना ही मिथ्या है, एक तरह से ये बड़े सपने की तरह ही है, वो चलता है कुछ घंटे ये चलता है कुछ साल, बस इतना ही फर्क है, यही पूछना चाह रहे थे आप। इसीलिए जगत को स्वप्न कहा गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। है। तो ये इसको इस तरीके समझ सकते हैं, मैं एक दृष्टांत बताता हूं आपको जो बहुत आसानी से समझ में आता है कि हम जागृत में सब कुछ जो देखते हैं उस अनुभव को हम सत्य मानते हैं, सब कुछ सत्य लगता है हमें, लेकिन स्वप्न में यही जगत जब दिखता है और सुबह नींद खुलती है तो हम इसे सत्य नहीं मानते, उसको झूठा कहते हैं। और जो गहरी निद्रा में ये सारा जगत ही विलीन हो जाता है, तो जो जगत सुषुप्ति में था ही नहीं,
और स्वप्न में मिथ्या था, झूठा था, वो जागृति में सत्य कैसे हो सकता है? ये दर्शन बताता है अद्वैत का कि इन तीन अवस्थाएं रहती है ना हमारी, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जब कभी ये अद्वैत दर्शन याद आया होगा तो इन्हीं बातों पे विचार करके आया होगा। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना कि यहाँ जो जो भी बात की जाएगी वो प्रमाण के सहित बात की जाएगी। जो ज्ञान मार्ग है वहां पर दो ही साधन है, कोई भ्रम यहाँ पर या कोई सुनी सुनाई बात नहीं की जाती, उसका प्रमाण दिया जाता है। वो दो साधन क्या है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। तो ये इससे जब भी कभी मनीषियों ने या किसी ने भी जब सत्य के का अनुसंधान करने के लिए प्रयास किया होगा तो यहीं से बात शुरू हुई थी कि दिन में तो ये जगत सत्य दिखता है लेकिन यही जगत स्वप्न में क्यों झूठा हो जाता है, और यही जगत सुषुप्ति में विलीन कैसे हो जाता है, ये प्रश्न उठता है। तो इन चीजों पे मनन करने से स्पष्ट हो जाता है, जो ये दर्शन है ना वो स्पष्ट हो जाता है पूरा। सर मैं एक या चीज, रीता जी, हाँ जी जी मैम, जैसे अभी आप